आपको एक सरप्राइज देते हैं क्योंकि आप यहाँ आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी, वी हैव अ क्विक सरप्राइज सून आफ्टर दिस फोटो ऑप फ्रॉम द उडनचू. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Why don't you take your seat? फोटो कर रहे तो क्यों बैठ के कर रहे? वीडियो के लिए दिया ना इतना तो. Thank you so much. ये रोज़मर्रा के किरदारों से जुड़ा हुआ है जो आजकल हो रहा है. बाबर्स जो कर रहे हैं उसी का ही सिमिलर, उसी के ही लाइन पे ये करेक्टर है. तो डिटेल्स में बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो उनका हशर हुआ है शायद इसका भी वही हशर होता है बाद में. तो कॉमेडी है, पिक्चर डिफरेंट तरीके से बनाई गई है, एक एंटरटेनिंग फिल्म तरीके से बनाई गई है. हर कैरेक्टर ने अपना बड़ा बखूबी काम किया है. जैसे कहा आशुतोष ने कि फिल्म वी नेवर मेड, वी कान मेक ए फिल्म इन आइसोलेशन, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी. तो ये सब ने मिलजुल के सबने एक फिल्म को एक ऐसी शक्ल दी है जो कि एक दिलचस्प प्रोडक्ट बन के आई. बाकी आप पिक्चर देखेंगे तो आप सराहेंगे, पसंद करेंगे, जजमेंट करेंगे, सब आपके ऊपर. थैंक यू जी. बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो जब हम लोग दर्शक हुआ करते थे और हम फिल्म देखते थे और जो जिन भी लोगों को नेगेटिव रोल्स करने होते थे उन सब के ग्रुप प्रेम सर हुआ करते थे. और जो किसी भी व्यक्ति की जो रियल लाइफ एस्पिरेशन रहती है उसको अगर आपको रियल लाइफ में निभाने के लिए मिल जाए तो इस उड़नछू जो फिल्म है उसमें हमारे गुरु मतलब हमारे किरदार का नाम है बीके भाई. वो बीके भाई के नाम से जाने जाते हैं लेकिन एक्चुअल उनका जो नाम है वो बिल्लू कबूतर है. तो वो बिल्लू कबूतर को बीके हो गए और इस पूरी की पूरी जो बिल्लू कबूतर से बीके होने की जो यात्रा है और फिर बीके से वापस बिल्लू कबूतर होने की जो पूरी यात्रा है उसमें हमारे गुरुजी श्री प्रेम चोपड़ा जी का हाथ है. तो बहुत आनंद का विषय था. और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो इस पूरी फिल्म के दौरान मैंने सीखी, अभी तक क्या होता है कि एज एन एक्टर हर एक्टर अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश करता है. इस फिल्म में मुझे जो एक सीख प्रेम जी ये आज मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रेम सर के जो पूरे के पूरे काम को करते हुए देखते हुए मुझे समझ में आई और जो हम लोगों ने इस फिल्म में अप्लाई की वो ये थी कि हर एक्टर अपना कैरेक्टर नहीं बना रहा था, सामने वाला एक्टर सामने वाले का कैरेक्टर बना रहा था. तो वो जो एक चीज़ होती है कि जब आप रिएक्शन दे देते हैं तो एक्शन खुद ब खुद सुधर जाता है. तो उस उड़नछू की पूरी प्रक्रिया के दौरान विपिन ने इस पूरी की पूरी चीज़ में एक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया. वो कहते हैं ना कि गाड़ी बड़ी स्पीड ब्रेक पर चलते चलते एक फाइनल स्टेज पर ऐसी बन गई है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो उम्मीद नहीं थी. तो बिकॉज ऑफ आवर वेरी एक्सपीरियंस सीनियर आर्टिस्ट आशुतोष जी, प्रेम जी, रजनीश, अनिल जौहर जी, इन सब ने इतना बढ़िया काम किया है और इनकी एक्टिंग की वजह से जो कैरेक्टर्स में जान पड़ गई है और मूवी में जान पड़ गई है वो मूवी देखने के बाद आप लोग इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे. और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी. थैंक यू. आई थिंक मुझे पता था कि फिल्म पहले गौतम के पास आई थी एंड देन सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये पहले विपिन जी मेरे पास लाए थे और संदीप जो इसके ईपी थे तो दैट टाइम आई वाज शूटिंग फॉर अनदर फिल्म एंड उसके बाद मुझे सडनली सुनने में आया, पेपर में पढ़ा कि गौतम नाउ इज नॉट डूइंग द फिल्म. देन विपिन जी अगेन अप्रोच मी एंड देन ही टोल्ड मी कि ये कहानी है एंड आई सेड सर आई वुड लव टू डू द फिल्म बट आपको इसको अप्रैल की जगह मई में करना पड़ेगा, मतलब एक महीना शिफ्ट करना पड़ेगा टू ताकि डेट सारी एडजस्ट हुए. एंड वंस ही केम ऑन देन आई एंड आप ये कोइंसिडेंस मानिए कि उसके बाद जब हम शूट पे जा रहे थे उसके लगभग 10 दिन के बाद मुझे गौतम एक फ्लाइट में मिले थे. तो
हम दोनों जनरली बात कर रहे थे कि क्या यार ही न्यू दैट आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड आई न्यू दैट ही वाज डूइंग अबाउट टू डू इट तो हम दोनों की जनरली बात हुई थी तो इसने कहा कि यार मुझे एक सीरियस हीरो टाइप का रोल करना था एंड जिसमें एंड यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज अ रोल वे अगर पांच डिफरेंट रोल्स हैं तो कहीं पे वो जोकर प्ले कर रहा है कहीं पे वो कुछ प्ले कर रहा है कहीं पे वो पिट रहा है कहीं पे वो तो इट्स नॉट अ वेरी हीरोइक रोल बट आज की डेट में इट्स नॉट अबाउट द हीरो इट्स अ कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर सो लकीली आई वुड से कि आई गॉट दिस एट दैट टाइम सर यू सीम टू अ वेरी यू नो अ नाइस काइंड ऑफ अ पर्सन सर नहीं आई एम सीम टू गेट ये प्लेसमेंट जो होता है ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स क्यों क्यों रिप्लेस कर दिया अंदर का तो मुझे नहीं पता अब क्या होगा मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दैट वुड बी बिटवीन विपिन पराशर रविंदर जी एंड गौतम बट ऑल आई कैन से इज आई लाइक द स्क्रिप्ट आई लाइक विपिन पराशर की जो वाइब थी वो एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि यार ये ऐसा रोल मुझे आई शुड डू इट एंड आई टुक इट ऑन सो एज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिगार्डिंग योर यू नो गेटिंग सक्सेस इन इंडस्ट्री एज़ आपको काम तो काफी मिसाल है बट हैव यू गॉट द सेटिस्फैक्शन फैक्टर कि हां आपको वो पर्टिकुलर एक रोल या पर्टिकुलर फिल्म वो मिलनी चाहिए जिसमें आपको रोल मतलब व्हाट आई लाइक टू डू इज आई कीप लाइक टू ट्राइंग इट एंड कीप लाइक मतलब आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट रोल्स एंड लकीली टच वुड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड कभी भी जब मुझे प्रॉब्ली ड्रीम रोल मिल भी जाएगा उसके बाद भी मुझे लगेगा यार अभी और भी करना है तो ये तो लगता ही रहेगा एज एन आर्टिस्ट आपको आपकी भूख कभी मिटनी भी नहीं चाहिए आपकी जो अंदर की फायर होती है ना ऑब्वियसली द रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स एंड वी ऑल वांट कि सब चीज़ें चलें सभी चीज़ चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो वो हिट हो लेकिन वो सब तो इज नॉट डेफिनेटली नॉट इन एनी वन हैंड्स एंड बिसाइड हिज पर्सनल या द नेक्स्ट दैट आई एम डूइंग इज अ अनटाइटल्ड फिल्म इट्स द टेंटेटिव टाइटल इज पर्दे के पीछे तो उसमें मैं और कृष्णा हैं इट्स अ कॉमेडी इट्स एन आउट एंड आउट कॉमेडी थैंक यू